हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है फार्मेसी नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पेप्टिक अल्सर्स के बारे में। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में पेप्टिक अल्सर्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है, कितने प्रकार का अल्सर्स होता है और पेप्टिक अल्सर्स होने के क्या क्या रीजंस हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो पसंद आती है तो। सो फ्रेंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर्स को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्सर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स अल्सर्स हम उसको बोलते हैं जब हमारी कोई भी इंटरनल पार्ट या एक्सटर्नल पार्ट में किसी प्रकार की जख्म हो जाती है और उस जख्म भाग में जब हमारे म्यूकस या HCLs की सिक्रेशंस होती है तो हमारे उस पार्ट पर थोड़ी जलन या पेनफुल महसूस होता है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली उसे हम अल्सर्स कह सकते हैं। फ्रेंड्स अल्सर्स अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिस भाग में अल्सर्स होता है उसे हम उसी नाम से जानते हैं। अगर हमारे स्टमक्स में अल्सर होता है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होता है तो उसको ड्यूडेनल अल्सर्स कहते हैं, अगर हमारे माउथ कैविटी में होता है तो उसको माउथ अल्सर्स कहते हैं। फ्रेंड्स आप कुछ डायग्राम्स के माध्यम से अल्सर्स को आसानी से समझ सकते हो। फ्रेंड्स आप इस डायग्राम के माध्यम से माउथ अल्सर्स को आसानी से समझ सकते हो। फ्रेंड्स माउथ अल्सर्स क्या होता है, जब हमारी म्यूकस लेयर जो होता है फ्रेंड्स, जो हमारी इंटरनल लेयर को प्रोटेक्ट करता है, जब वह म्यूकस मेम्ब्रेन छिल जाता है किसी कारण से, घाव बन जाती है वहाँ पे, तो फ्रेंड्स जब कभी वह सलाइवा के कांटेक्ट में आती है तो हमें पेनफुल महसूस होता है। यह यूजुअली फ्रेंड्स हमारी हाइपरसिक्रेशन ऑफ एसिड के कारण से होता है। जब हमारे पेट के अंदर की गर्मी बढ़ जाता है तो कभी कभी माउथ में भी देखने को मिलता है अल्सर्स। ये माउथ अल्सर्स को आप समझ सकते हो। फ्रेंड्स आप पेप्टिक अल्सर्स को जनरल टर्म में डिफाइन कर सकते हो, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है फ्रेंड्स, जिस माध्यम से हमारी भोजन हमारे स्टमक तक पहुंचती है, अगर उस रूट में कहीं पर भी किसी प्रकार की अल्सर्स हो जाती है, कहीं पर हमारी सतह कोई भी भाग हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स अगर जख्मी हो जाता है किसी कारण छिल जाता है और फ्रेंड्स जब वो एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारी वहाँ पे पेनफुल महसूस होता है, हमें पेन होता है। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में ईसोफेगल अल्सर्स। फ्रेंड्स ईसोफेगल अल्सर्स में क्या होता है, हमारी जो ईसोफेगस की लेयर होता है, म्यूकस लेयर होता है, वह छिल जाता है। जब एसिड का रिफ्लक्स होता है फ्रेंड्स, कभी कभी हाइपर सिक्रेशंस के कारण हमारी जब एसिड का रिफ्लक्स होता है ईसोफेगस में तो चेस्ट बर्न जैसी महसूस होती है। फ्रेंड्स आप दूसरा देख सकते हो गैस्ट्रिक स्टमक अल्सर्स। फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो स्टमक्स की गैस्ट्रिक म्यूकोसा लेयर होता है फ्रेंड्स, जो हमारी प्रोटेक्ट करता है इंटरनल पार्ट को, जब यह पार्ट किसी कारण छिल जाता है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एसिड्स के कारण से यूजुअली होता है। फ्रेंड्स आगे आप देख सकते हो ड्यूडेनल अल्सर्स, जहाँ से हमारे स्टमक्स की पार्ट खत्म होती है और हमारी इंटेस्टाइनल्स पार्ट अटैच होती है, उस पार्ट को हम ड्यूडेनल्स कहते हैं। फ्रेंड्स जब ड्यूडेनल्स में किसी प्रकार के अल्सर्स होता है तो उसे हम ड्यूडेनल अल्सर्स कहते हैं। इंटेस्टाइनल अल्सर्स ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, जब इंटेस्टाइनल्स में किसी कारण का अल्सर हो जाती है तो उसको इंटेस्टाइनल अल्सर्स कहते हैं। अल्सर्स का मतलब सिंपली आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, किसी भी पार्ट में जब हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की किसी भी पार्ट में स्मूथ मसल जब छिल जाती है और वह जब एसिड के कॉन्टैक्ट में आती है तो हमारी बॉडी में पेनफुल महसूस होता है, उसे हम जनरल टर्म्स में अल्सर्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं पेप्टिक अल्सर्स क्या होता है। पेप्टिक अल्सर्स अकर्स इन एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बॉडी टू गैस्ट्रिक एसिड्स एंड पेप्सिन, दैट इज स्टमक्स एंड ड्यूडेनम्स। फ्रेंड्स इसका कहने का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में हाइपर एसिडिटी होता है या पेप्सिन हमारी बॉडी में जब ज़्यादा बनता है और हमारी बॉडी जो स्मूथ मसल्स होती है हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है स्टमक्स का, जब कॉन्टैक्ट में आती है और वह स्मूथ लेयर किसी कारण से छिल जाती है तो उसे ही हम कहते हैं अल्सर्स, या जब हमारी स्टमक्स में होती है तो उसको हम स्टमक्स अल्सर्स कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं, और जब यह हमारे ड्यूडेनम्स में होती है तो इसको हम ड्यूडेनल अल्सर्स कहते हैं। फ्रेंड्स पेप्टिक अल्सर्स कभी कभी एच पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के द्वारा। फ्रेंड्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एच पाइलोरी बैक्टीरिया पाया जाता है, जब भी यह बैक्टीरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा बनने लगती है तो एसिड्स के हाइपर सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होता है और यह पेप्टिक अल्सर्स को प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है। फ्रेंड्स अगर ड्यूडेनल अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स में बेसिक डिफरेंस को हम देखें तो ड्यूडेनल अल्सर्स के केस में हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा होता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर्स के केस में एसिड का सिक्रेशंस नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था ड्यूडेनल अल्सर्स और गैस्ट्रिक अल्सर्स के बारे में। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के इटियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है फ्रेंड्स
पेप्टिक अल्सर्स किन किन कारणों के कारण हो सकता है उसे हम कहते हैं एटियोलॉजी। फ्रेंड्स, इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के कारण होता है। फ्रेंड्स, एग्रेसिव एंड डिफेंसिव मैकेनिज्म स को हम डिटेल्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, एग्रेसिव मैकेनिज्म्स हम कहते हैं जैसे एसिड्स। फ्रेंड्स, जब हम भोजन करते हैं, जब भोजन हमारे स्टमक्स में जाती है तो हमारी जो पैरेटल सेल्स होती है वहाँ से हमारी HCl सिक्रेट होता है। जो HCl सिक्रेट होता है फ्रेंड्स, उसका बेसिक्स वर्कआउट होता है कि जो हमारे फूड, जो बोलस, जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो सलाइवा के साथ मिक्स होकर बोलस बनाता है। जब यह बोलस हमारे स्टमक्स में पहुंचती है फ्रेंड्स, तो बोलस में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे एसिड्स किल करता है, जिनके कारण से कुछ अनवांटेड इफेक्ट देखने को ना मिले। फ्रेंड्स, एसिड्स का मेन जो काम होता है हमारी स्टमक्स में फ्रेंड्स, वह हमारी भोजन के साथ मिलकर उसे एसिडिक नेचर्स का बनाता है और भोजन को ब्रेकडाउंस करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम एसिड के एग्रेसिव नेचर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो जब हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसको रप्चर कर देता है और एक प्रकार की घाव बना लेता है। वह घाव जब हमारे एसिड के कांटेक्ट में आता है तो हमें एक पेनफुल महसूस होता है, उसी को हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बैलून है, आप उसमें वाटर को भर रहे हो। फ्रेंड्स, बैलून का एक कैपेसिटी होगा वाटर को रखने के लिए। फ्रेंड्स, जब बैलून का कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगा और आप वाटर इसमें ज़्यादा भर रहे हो तो फ्रेंड्स, बैलून रप्चर कर जाएगा। सेम वैसा ही होता है फ्रेंड्स हमारे स्टमक्स के साथ। स्टमक्स में जो एसिड सिक्रेट होता है फ्रेंड्स, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, एक कैपेसिटी होता है एसिड के सिक्रेशंस को टॉलरेट करने का। जब यह टॉलरेट ज़्यादा होने लगता है फ्रेंड्स, तो हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है रप्चर हो जाता है और अल्सर्स काउज करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पेप्सिन। पेप्सिन्स भी एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी कहा जाता है। चूँकि फ्रेंड्स, पेप्सिन्स हमारे प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, सेम्स एसिड की तरह पेप्सिन्स के साथ भी होता है। पेप्सिन्स अगर हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो या भी अल्सर्स काउज करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, या भी डैमेज करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बाइल। फ्रेंड्स, बाइल आपको मालूम है हमारी लिवर्स में सिंथेसिस होता है और हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। फ्रेंड्स, यह बाइल्स हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगला है फ्रेंड्स, एच पायलोरी। फ्रेंड्स, सबसे पहले वेरन एंड बेरी ने 2005 ईस्वी में एच पायलोरी के बारे में बताया था कि एच पायलोरी के कारण भी अल्सर्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के बारे में। फ्रेंड्स, एग्रेसिव मैकेनिज्म्स के अपोजिट काम करने वाले को हम डिफेंसिव मैकेनिज्म्स कहते हैं। फ्रेंड्स, जब एसिड का सिक्रेशंस ज़्यादा होता है तो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, एसिड के सिक्रेशंस, पेप्सिन्स के सिक्रेशंस, बाइल और एच पायलोरी, इन सारे सिक्रेशंस को हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा हमें हमारे गैस्ट्रिक लेयर को प्रोटेक्ट करता है। फ्रेंड्स, अगला हमारा बाइकार्बोनेट। फ्रेंड्स, बाइकार्बोनेट एक प्रकार का बेस है। जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है तो एसिड के सिक्रेशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बाइकार्बोनेट बॉडी में बनता है। अगला है फ्रेंड्स, प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रेंड्स, आपको मालूम है प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी इन्फ्लामेशंस और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, खास करके फ्रेंड्स प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा F2। फ्रेंड्स, अगला नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड्स हमारे पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारी बॉडी में अल्सर्स होती है तो अल्सर्स को पेन से रिलीव करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड्स हमारी बॉडी में बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स फॉर्म्स ऑफ अल्सर्स। अल्सर्स कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि जिस पार्ट में हमारी अल्सर्स होता है उसको हम उसी पार्ट से जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर माउथ में होता है तो माउथ अल्सर्स, हमारे ड्यूडेनल्स में होता है तो ड्यूडेनल अल्सर्स, अगर गैस्ट्रिक में होता है तो गैस्ट्रिक अल्सर्स। फ्रेंड्स, इनको तो आप समझ लिए, लेकिन फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्सर्स कभी कभी स्ट्रेस के कारण भी होता है। फ्रेंड्स, जब हम अनयूजुअल स्ट्रेस में रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी एसिड्स की हाइपरसिक्रेशंस होने लगती है। हमारी जो पैरेटल सेल्स होता है फ्रेंड्स, वह एसिड का सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा करने लगता है, जिनके कारण फ्रेंड्स कभी कभी अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेसिड्स के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। फ्रेंड्स, नेसिड्स के अंतर्गत बहुत सारा ड्रग्स आता है। इसको तीन भाग में क्लासिफाइड किया गया है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, पेरिफेरल्स कॉक्स इनहिबिटर्स और फ्रेंड्स सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स। फ्रेंड्स, अगर सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स ड्रग्स हम लेते हैं तो हमारे लिए यूजफुल होता है, चूँकि सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स हमारे इन्फ्लामेशंस पे काम करती है और प्रोस्टाग्लैंडिन के कारण जो इन्फ्लामेशंस होता है उस इन्फ्लामेशंस को हमारी बॉडी से रिलीव करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करें
नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स के में तो फ्रेंड्स यह कॉक्स वन, कॉक्स टू, कॉक्स थ्री तीनों को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स कॉक्स टू को इफेक्ट करता है तो हमारे लिए वो अच्छी बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे इन्फ्लामेशन को अच्छा करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर यह कॉक्स ऑन को इनहिबिट करता है तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि कॉक्स ऑन हमारी हाउस कीपिंग की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में जब एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, तो कॉक्स ऑन बाइकार्बोनेट बेस बनाकर एसिड की सिक्रेशन को न्यूट्रलाइज करता है। और फ्रेंड्स यह हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को रिलीफ मीन्स फ्रेंड्स भरने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स जब कभी भी हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं और वह नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स होते हैं, तो फ्रेंड्स हमारी कॉक्स ऑन के कारण, कॉक्स ऑन पे काम करने के कारण फ्रेंड्स हमारी हाउस कीपिंग डिस्टर्बेंस हो जाता है, बाइकार्बोनेट्स हमारी बॉडी में नहीं बन पाता है, जिनके कारण फ्रेंड्स हमारी एसिड्स का न्यूट्रलाइज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से नेसिड्स हमारी एसिड्स के सिक्रेशंस को बढ़ा सकता है और अल्सर्स काउज कर सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स स्टमक जो होता है पर डे अप्रोक्सीमेटली 2.5 लीटर्स एसिड सिक्रेट करता है, और जो पीएच होता है फ्रेंड्स वन पॉइंट टू पीएच होता है फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय फ्रेंड्स। जो हमारा गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस होता है वो बहुत सारे चीज़ों से रेगुलेट होता है, जैसे वेगस पाथवे। फ्रेंड्स आपको मालूम है वेगस पाथवे जो होता है हमारे नर्व्स हैं, ब्रेन नर्व्स हैं। जब हम फूड लेते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और एसिटाइल कोलिन हमारे एसिड के सिक्रेशंस को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स गैस्ट्रिक पाथवे के थ्रू भी हमारा एसिड का सिक्रेशंस बढ़ जाता है। लोकल हिस्टामिन्स के कारण भी हमारा एसिड का सिक्रेशंस बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स एक्टिवेटेड फ्रेंड्स हाइड्रोजन पोटासियम एटीपेज। फ्रेंड्स आपको मालूम है प्रोटॉन का मतलब होता है धन आयन, मीन्स फ्रेंड्स पॉजिटिव आयन्स। फ्रेंड्स जब हमारी बॉडी में पंप का मतलब होता है फ्रेंड्स अंदर से कोई चीज़ को बाहर आना, पंप कहते हैं हम यूजुअली। प्रोटॉन का मतलब होता है धन आयन, तो पॉजिटिव आयन का इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर में आना फ्रेंड्स हम कहते हैं इसको प्रोटॉन पंप। फ्रेंड्स तो क्या होता है जो हमारी ल्यूमेंस होता है गैस्ट्रिक ल्यूमेंस होता है, इससे फ्रेंड्स हमारी एच आयन बाहर आती है, और फ्रेंड्स जो हमारा प्लाज्मा होता है उससे हमारे क्लोरीन आयन बाहर आता है, और फ्रेंड्स एच प्लस सी एल माइनस मिलकर एच सी एल्स बनाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारी बॉडी में एच सी एल्स बनता है गैस्ट्रिक ल्यूमेंस और प्लाज्मा, जो हमारी क्लोरीन पाया जाता है इसकी दोनों की मदद से एच सी एल्स बनती है हमारी बॉडी में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स काउच के बारे में, कौन कौन सी काउज हैं जिनके कारण अल्सर्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया नेसिड्स के जितने भी ड्रग्स आते हैं फ्रेंड्स, जैसे एस्प्रिन हो गया और बहुत सारा ड्रग्स है नेसिड्स के अंतर्गत फ्रेंड्स, तो उन सारे नेसिड्स के ड्रग्स काउज कर सकता है हमारे अल्सर्स को। एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिस्क फैक्टर, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनके कारण अल्सर्स हो सकता है। तो पहला फ्रेंड्स अल्कोहल। फ्रेंड्स आपको मालूम है जब कभी भी हम अल्कोहल का सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स अल्कोहल के कारण भी अल्सर्स हो सकता है। डाइट फ्रेंड्स आज के जो मॉडर्न ईरा है फ्रेंड्स, इसमें जो अल्सर्स होने के मेन चांसेस है फ्रेंड्स, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो ड्यू टू इम्बैलेंस, ड्यू टू इम्प्रॉपर ईटिंग ऑफ डाइट। फ्रेंड्स आज जो मॉडर्न ईरा में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम डाइट को सही टाइम पे नहीं ले पाते हैं, या तो भोजन को टाइमली नहीं ले पाते हैं, किसी ब्रेकफास्ट नाइट डिनर किसी भी तरह के भोजन को हम जब स्किप कर जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारी बॉडी में एसिड का सिक्रेशन लगातार होता है, और फ्रेंड्स जब हमारे स्टमक्स में फूड नहीं होता है तो क्या होता है एसिड का सिक्रेशंस लगातार होता है, तो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा उसके कारण भी कभी कभी रप्चर हो जाता है। तो फ्रेंड्स डाइट तो मेन मोटिव है होने का अल्सर्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो स्पाइसी फूड भी है, आज की देखा जा रहा है फ्रेंड्स तो बहुत सारे ऐसे स्पाइसी फूड है जिनके कारण अल्सर्स हो सकते हैं। इम्पटी स्टमक फ्रेंड्स, जब कभी हम खाना नहीं खाते हैं और हमारी बॉडी में लगातार एसिड का सिक्रेशंस होता है, तो जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है फ्रेंड्स उस पर जब एसिड का सिक्रेशंस होता है, तो लंबे समय तक एसिड का सिक्रेशंस होने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा रप्चर कर जाता है, और रप्चर होने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पे एक घाव बन जाता है, छिल जाता है, जिनके कारण फ्रेंड्स जब फिर से एग्रेसिव से हमारा एसिड का सिक्रेशंस होगा फ्रेंड्स, तब जब वह छिली हुई पार्ट हमारी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है जब हमारी एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो हमारी हमको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन था अल्सर्स के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अल्सर्स के क्लासिफिकेशन को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।